हेलो बर्ड्स लवर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे। बर्ड्स लवर्स, आज मैं आया हूँ अली भाई के सेटअप के ऊपर। अली भाई ने जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ स्टेडियम की मुटिशन ही कह लें, जो भी कह लें, ये माशाल्लाह इनके ऊपर काम करें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि स्टेडियम ख़त्म हो गया, स्टेडियम डी एंड हो गया, लेकिन देखिए माशाल्लाह अली भाई हमें इस वीडियो के अंदर गाइड करेंगे और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं इस स्टेडियम के ज़रिए। और कुछ स्पेशल टिप्स भी वो पूछेंगे कि बर्ड को चेक किस तरीके से किया जाता है कि बर्ड किस क्वालिटी का है। माशाल्लाह इनके पास मुख्तलिफ पेयर लगे हुए हैं, माशाल्लाह इनके पास काफ़ी पेयर लगे हुए हैं, कोई मुझे तो नज़र आ रहे हैं 25-30 पेयर लगे हुए हैं इनके पास। और इस बारे में पूछेंगे, ब्लैक विंग्स के नाम से भी बर्ड्स आए हुए हैं, वो भी इनके पास लगे हुए हैं। तो अली भाई को बुलाता हूँ और मैं इसमें पूछता हूँ कि इनके पास क्या स्कोप है ऑस्ट्रेलियन का, कुछ बताएंगे कि फ्यूचर में आगे इनका क्या है। माशाल्लाह इनके पास देखे काफ़ी ब्रीड आई हुई है और कहीं मुझे बता रहे थे अली भाई, अभी मैं बैठ के बात कर रहा था, काफ़ी बुक भी हुई हुई है और काफ़ी मिल भी सकती है। तो अली भाई को बुलाते हैं और उनके साथ बात करते हैं। अली भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है। अच्छा अली भाई, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया, कुछ बताएंगे हमें और इस हॉबी को कैसे लेके चल रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आपने लव बर्ड भी लगाई थी और स्टेडियम भी लगाए हैं, इनके बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं इस शो को शुरू करते हुए। 1 या 2 पेड़ लगाए थे होगर उमो से, मैंने पहले स्टार्ट लिया था होगर उमो से। पहले मैंने एक ना कह लें कि रा की जो फीमेल होती है ना, वो बच्चा लाया था, उसको पाला, उससे शौक मेरा स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने होगर उमो शुरू किए, तकरीबन मैंने 1 ईयर जो है ना होगर उमो लगाए, उससे अच्छी ब्रीड ली, उनको सेल किया। उसके बाद कुछ 2-4 पेड़ मैंने अल्बाइनो के, क्रीमिनो, डेकिनो, इस तरह के लगाए। फिर कुछ पेयर उससे अगले साल फिर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की और होगर उमो के ऐड किए पेयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास कोई 35 पेयर होगर उमो के ब्रीड कर रहे हैं और 30-35 पेयर लबड़ के ही ब्रीड कर रहे हैं। ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं से ही निकाल के इन्हीं को लगाया है। पसंद तो समझ लें कि इसको ऑल वर्ल्ड में किया जाता है, हाली ये लाहौर या कराची की बात नहीं है, ऑल वर्ल्ड में होगर उमो को पसंद किया जाता है। ठीक है, इसमें इतनी म्यूटेशन हैं कि हम काम करना स्टार्ट करें तो पूरी कर ही नहीं सकते। इनसे जितने मर्जी क्लच ले लें, यहाँ पर माहौल अच्छा बना लें, एसी लगा लें, 4 क्लच 5 क्लच ले लें। लबड़ का भी यही सीन है, 4 क्लच ले सकते हैं अगर हमने फोस्टर की फौज ज़्यादा बढ़ा लें, फिशर के पेयर या इस तरह के फोस्टर पेयर ज़्यादा लगा लें, इनसे भी 4-5 क्लच ले लें। डाइट अच्छी होनी चाहिए, मल्टीविटामिन वगैरह, एग फूड वगैरह, इस तरह की चीज़ें अच्छी यूज़ कराएं और अच्छी ब्रीड ले लें। आप अपने ये चैलेंज हैं इनके बारे में बताएं कि न्यू फैंसियर इसके ऊपर क्यों लगाएं, ये आपको इसके ऊपर गाइड करें और ये कहाँ पे आसानी से सेल भी हो सकते हैं? आसानी से सेल वो बर्ड होता है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। होगर उमो में फ्लावर देखा जाता है, साइज़ देखा जाता है, क्रश देखा जाता है। ठीक है, जिसका बर्ड अच्छा होगा जब वो शो पे आएगा, एक सोशल मीडिया पे कह लें जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जब कोई अपना अच्छा बर्ड फ्लावर वाला शो करता है अच्छे साइज का, मेरा नहीं ख्याल कि वो सेल नहीं होगा, वो अच्छी तरह सेल हो जाएगा, जल्दी सेल हो जाएगा। आप पकड़ के कुछ बर्ड को दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें देखी जाती हैं इसके अंदर? मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर है ना वो थोड़ा, इसलिए मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, सबसे पहले तो आजकल जो जिसके ऊपर वर्क हो रहा है ना, इसका कलर देखें, वायलेट कलर में, वायलेट कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद इसका क्रस देखा जाता है, क्रस कैसा है। उसके बाद इसके फ्लावर देखे जाते हैं,
अभी तो मेरे पकड़ने से ना इसके थोड़े से फ्लावर डिस्टर्ब हो गए। वैसे ये माशाल्लाह बड़े अच्छे फ्लावर का है और बड़ी अच्छी लाइन का बर्ड है। ठीक है ठीक है, तो यही वर्क होता है कि साइज अच्छा हो बर्ड का, क्रस्ट अच्छा हो, फ्लावर अच्छा हो। अच्छा ठीक है, दोनों फ्लावरों के दरमियान में अच्छी जगह हो, मतलब कि स्पेस हो, ये क्वालिटी देखी जाती है। ये देखिए टेल देखी जाती है कि बर्ड कितना लेंथी है और बर्ड के बैठने का स्टाइल क्या है, स्टेन क्या है, ये चीज़ें गौर की जाती है। तो इसमें एज का भी देखा जाता है शो में? एज का भी देखा जाता है कि आप देखिए ना कि जो आपने ब्रीड लेनी है ना, अक्सर लोग को बड़ी जल्दी होती है कि 3 माह का बर्ड या 4 माह का बर्ड लगा के ब्रीड ले लेते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करते। हम बर्ड को थर्ड मोल्ड क्लियर करवा के कम से कम 6-7वें माह या 8वें माह बाद जाके ब्रीड लेते हैं। उससे ये होता है कि जितने चिक्स आएंगे अच्छे साइज के आएंगे और अच्छी चीज़ बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, अब अपने आप कुछ फीड दिखाएँ, कहाँ से शुरू करेंगे हमें दिखाने के लिए? ये देख लें, ये मेरा रिसेसिव पॉइंट लगा हुआ फीड। ठीक है, मादी इसके अंदर है, मैं मादी भी आपको शो करवाता हूँ। ये मतलब माशाल्लाह बड़े अच्छे फ्लावर का मेल है। ये मेल है मादी? हाँ जी, बाकी बहुत खूबसूरत है। मैं आपको इधर करें जरा इसकी, मैं मादी भी दिखा देता हूँ, आप इसको ऊपर करेंगे ना, तो ये देखें इसकी मादी है, वो सामने चली गई है। इसके भी माशाल्लाह बड़े अच्छे फ्लावर है, बीच में एग भी हैं और बच्चे भी हैं, मैं वो भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए आपने। अच्छा, ये इसका फर्स्ट एग हैच हो गया होगा, तो ये माशाल्लाह पहला बच्चा निकला। अली भाई, इन्हें कोई क्या नाम है, हमें नेस्टिंग वगैरह तो ये करते ही नहीं है, तो भूसा वगैरह इसको लकड़ी का बूरा वगैरह दिया जाता है, तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा गंदा होता जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा इसको चेंज करता जाऊँगा, मजीद ऐड करता जाऊँगा इसमें। और अली भाई, ये कौन सा पेयर है आपका? और अली भाई, ये कौन सा पेड़ आपका? ये TCB का पेड़ है। अच्छा, अब ये देखें, लोग अक्सर कहते हैं जी पुरानी म्यूटेशन जो है खत्म होती जा रही है, बिकती नहीं है। आप मुझे ये बताएं, जो छोटा फैंसियर होगा वो कैसे बड़ी म्यूटेशन में आ डालेगा? वो छोटी म्यूटेशन को लेके ही चलेगा, जैसे ही वो उसमें से बर्ड्स आएंगे, कुछ रखेगा, कुछ सेल करेगा, फिर ऊपर वाली म्यूटेशन में जाएगा। ये नहीं है कि इंसान जो है कि छोटी म्यूटेशन से छोड़ के बड़ी म्यूटेशन में डायरेक्ट चला जाएगा। जितना भी छोटा ब्रीडर है ना, वो सबसे पहले छोटी म्यूटेशन लगाएगा, TCB हो गया, फैलो हो गया, इस तरह की म्यूटेशन लगाएगा। कौन सा? ये देखिए, ये TCB लगा हुआ है इसके साथ, ये भी TCB की मादी है। ठीक हो गया माशाल्लाह, वो बाइक चली गई है, इसने आगे लिए किए हुए हैं अभी, हमें कैसे आजकल में किए हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। और ये कौन सा पेयर है? ये फैलो का पेयर है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह छोटी म्यूटेशन भी लगी है और बड़ी म्यूटेशन भी लगी है। हाँ जी, बहुत अच्छे साइजों में है। ठीक हो गया। ये भी मेरा रिसेसिव पॉइंट का पेयर है, लेकिन मैं इसे ब्रीड नहीं ले रहा, ये बच्चे बड़े अच्छे बॉल का है। अच्छा। इसको मैंने लबड़ के बच्चे दिए हैं। अच्छा, लबड़ के बच्चे दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, इधर आए, ये देखें, मैं लबड़ के बच्चे पलवा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह अच्छी फीड हुई है, जितने भी बच्चे होंगे सबको अच्छी फीड हुई होगी, इसके जो पोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। देखें, ये आजकल बड़ा इन हो रहा है, जिस तरह के लव बर्ड ने एक मेल को तीन फीमेलों के साथ ही लगाने का आजकल नया चलता है। इसी तरह इसका भी ये चल रहा है कि आप बच्चे इनसे बनवाएं। बिल्कुल इसी तरह, ये माशाल्लाह भाई बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे पालते हैं, अच्छी फीड करवाते हैं। ठीक हो गया अली भाई, और क्या दिखाएंगे आप? और ये देखें, अब लोग कहेंगे ये सिंपल जो है म्यूटेशन करवा रहे हैं ब्रीड। ये देखें, ये ब्लैक पेटल का मेल है, इसके साथ मैंने TCB की मादी लगाई हुई है, अच्छे फ्लावर की है, अच्छी लाइन का बर्ड है। तो अभी भाई, ये इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन 8 मंथ प्लस है दोनों। इसी तरह फुल यंग पे है ये। तो ये कितनी एज में ब्रीड पे आ जाते हैं? ये 7 माह के बाद मूड ऑन जो है कि इनकी क्या नाम है, इसकी जो एनर्जी बताती है, शक्ल बताती है कि आया कि ये मैं ब्रीड करने के काबिल हो गया हूँ, इनकी आंखें बता देती हैं, आई से पता चलता है। अच्छा अली भाई, ये कौन सा पेयर है आपके पास? ये एग्जीबिशन का पेयर है, पिछले साल मैंने लिया था, पिछले साल ये ना अनफर्टाइल कर रहा है। अच्छा। लेकिन मैं इससे ना इससे भी लबड़ के बच्चे बुलवा रहा हूँ, लबड़ के अंडे नहीं है, मैंने रिसेंटली अभी तो ना। अच्छा, हाँ जी, ये UK लाइन का बर्ड है।
लेकिन इसने अनफर्टाइल किया, मैंने इसको एक दूसरे दे दिया। तो ये अनफर्टाइल का कोई इलाज नहीं है? अनफर्टाइल का इलाज है, किया भी है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका इलाज कर भी लें, अगर मिसाल के तौर पे ये नहीं ठीक हो रहा, हम ये तो नहीं करेंगे इसको बाहर फेंक दें या किसी के घर भेज दें। हमारी आदत नहीं है कि अनफर्टाइल जोड़ा हो गया हम किसी को धोखा दे के भेज दें। अपने घर लगाया होगा, किसी और के बच्चे पालेगा, अपने पैसे पूरे करेगा। और हो सकता है कि आगे जाके ये फटाई भी करने लगे। मैं भी अच्छी डाइट इसको मिलती रहे तो शायद चल जाए। अच्छा अली भाई, ये कौन सा पेयर है? ये भी फैलो का पेयर है। अच्छा, ये साइज अच्छा है माशाल्लाह। हाँ जी, ये फैलो सिप्रिस रिसेसिव है। अच्छा, इसके साथ जो मैंने फीमेल लगाई हुई है वो बाहर चली गई है, इसमें से भी बच्चे निकलने स्टार्ट हो गए माशाल्लाह। ठीक है, तो ये कितनी देर में तैयार हो जाते हैं बच्चे? बजरी के बच्चे जो हैं तकरीबन सवा माह में तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कोम्बो, ये स्प्लिट ब्लैक फेस है, स्प्लिट ब्लैक विंग है। अच्छा, ये मैंने रिसेंटली अभी लगाया है, अभी तकरीबन ये एक मंथ लेंगे ब्रीड के लिए। ये स्प्लिट ब्लैक विंग है, स्प्लिट ब्लैक फेस है। तो ब्लैक विंग है ये? ब्लैक विंग ब्लैक फेस स्प्लिट। जी जी, और क्या दिखाएंगे अभी? इधर मेरा पेयर एक लगा हुआ सिप्रिट, ठीक है, ब्लैक विंग का मेल है और उसके साथ ना फ्लावर में फीमेल है। तो ब्लैक विंग तो आज से बड़ा इन हुआ है अभी मार्केट में। जी जी, तो इसके क्या प्राइस है मार्केट में? क्या अभी इसके प्राइस डिसाइड हुए हैं सही तरह? अभी प्राइस इसके डिसाइड हो रहे हैं, अच्छी प्राइस में ये सेल हो रहे हैं बर्ड। अच्छा, तो मैं आपको इनके ना चिक्स दिखाता हूँ, मेरे पास माशाल्लाह प्रॉपर सेल्फ भी हुए पड़े हैं कुछ बर्ड। और ये देखिए, मैंने इनके जो चिक्स हैं ना मैंने फोस्टर किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह, अब मेल के देखिए, मेल के वहाँ पर फ्लावर नहीं है और यहाँ पर देखिए बच्चों के फ्लावर आए हुए हैं। ये सिर्फ ब्लैक विंग है, सारे बच्चे जितने भी हैं। देखें माशाल्लाह, प्रॉपर डबल फ्लावर में बच्चे आए हैं माशाल्लाह। ठीक है, ये इसका फोर्थ क्लच है पेयर का। पहले जो क्लच के बच्चे हैं मैं वो फोस्टर कर चुका हूँ। ये देखें, ये मेरी सारी होम ब्रीड है, जो ब्लैक विंग की गेम है, जो ब्लैक विंग के स्प्लिट्स हैं बर्ड, ये सारे जितने भी बर्ड हैं सारे ब्लैक विंग के स्प्लिट हैं। अच्छा, ये सारी होम ब्रीड है, सारे नेक्स्ट ईयर के लिए रोके हुए हैं। ये तो बीच में एक ब्लैक विंग वाला भी, ब्लैक विंग वाला भी नज़र आ रहा है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास से निकला हुआ है। तो ये अगर किसी को चाहिए होगा तो मिल जाएंगे? हाँ जी, कुछ बर्ड इसमें से मैं अपने लिए रखूँगा, कुछ बर्ड मैं सेल कर दूँगा। यहाँ पे कौन से हैं? यहाँ पे सिंपल ब्लैक विंग है, ब्लैक विंग कह रहा हूँ सॉरी, ब्लैक पैटल है कुछ बर्ड, कुछ एक दो बर्ड है जो रिसेसिव पार्ट की स्प्लिट है, और इसमें एक रिसेसिव का विजुअल बच्चा भी फिर आई है माशाल्लाह। तो अली भाई, आपसे अगर लेना चाहेंगे तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो जिससे आपसे रब्ता किया जा सके? जी जी बिल्कुल, मैं अपना नंबर मैं बता देता हूँ, 03237780, और फेसबुक पे अली अहमद डबल ए वे आई के नाम से मेरा फेसबुक आईडी बना होगा, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है, तो किसी को चाहिए हो बर्ड तो मैं हाजिर हूँ, अच्छी चीज़ मिलेगी। ये है कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास अनफर्टाइल दो पेयर लगे हुए हैं, मैं चाहूँ इनकी एड लगा के सेल कर दूँ, लेकिन मैं नहीं सेल करूँगा, अगले के घर जाके ब्रीड करेगा ही नहीं, ब्रीड कर भी जाएगा अंडे आएंगे बच्चे नहीं आएंगे, पैसों का नुकसान क्यों करेंगे? हमारी ये आदत होती है कि अपने पास रखें जो मतलब के कंडम बर्ड निकला है, छोटे ब्रीडर को ना दें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी भाई, हम ये लव बर्ड के लिए दूसरी एक और वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ये 14 मिनट की हो गई है वीडियो, तो लव बर्ड के लिए अलग वीडियो बना लेता हूँ। तो एम एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जरूर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।